बोलो। मैं मुबीन अहमद असायर हॉस्पिटल मंसूरा से। हम लोग यहाँ पर तकरीबन जो है 15-16 दिन से हैं और हमारा रिपोर्ट जो है स्वैप 3 मर्तबा हो चुका है। रिपोर्ट आ चुकी है, उसके बावजूद हॉस्पिटल इंतजामिया रिपोर्ट बताने के लिए तैयार नहीं है। हमारी दवाएं बंद कर दी गई हैं ये कहकर के आपका कोर्स मुकम्मल हो चुका है और हमको जो है कोई खबरगिरी करने वाला यहाँ पर नहीं है। इंतजामिया जो है यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव पेशेंट्स को ला करके रख रही है और नेगेटिव पेशेंट्स की जो है कोई खबरगिरी नहीं कर रही है कि वो किस हाल में है। और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पेशेंट को एक साथ रखा जा रहा है, नए पुराने पेशेंट एक साथ हैं। आप लोगों से गुजारिश ये है कि हम लोग बिल्कुल टाइट और फिट हैं। ये जो है अफवाह फैलाई जा रही है कि ये मरीज जो है बहुत सीरियस हैं, ये शहर में आएंगे तो इनसे शहर को खतरा है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग बिल्कुल टाइट एंड फिट हैं, इसलिए इंतजामिया से गुजारिश है कि हम लोगों को जो है यहाँ से निकाल करके अपने अपने घरों पर रवाना करने का इंतजाम किया जाए। मैं डॉक्टर मोहम्मद शहबाज, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कई लोग यहाँ पे 18-20 दिन से एडमिट हैं लेकिन उनको कोई कंप्लेंट नहीं है और जो है तो ना उनको भूख भी अच्छी लग रही है, सारी चीज़ें उनके साथ नॉर्मल है। उसके बावजूद इंतजामिया की तरफ से कोई यहाँ पे खबर रहने वाला नहीं है। इंतजामिया का पूरा फोकस इस पे है कि पॉजिटिव लोगों को डिक्लेयर किया जाए और उनको क्वारंटाइन में भरते जाए और जो पहले से यहाँ 15-20 दिन से 21 दिन से एडमिट है ना उनका रिपीट स्वैप करना चाहते हैं और जिन लोगों ने रिपीट स्वैप दिया भी है तो उनको रिपीट स्वैप के बाद उनकी रिपोर्ट के लिए कोई फॉलोअप नहीं ले रहा है और ना रिपोर्ट आ रही है। 6-6 दिन हो गए रिपीट स्वैप देके, अभी तक के रिपोर्ट का कोई ठिकान नहीं है और यहाँ पर सब लोग अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए हमारी दरख्वास्त है इंतजामिया तक हम ये पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा फॉलोअप लिया जाए, हमारी रिपोर्ट निगेटिव जल्दी से डिक्लेयर करके हमें घर रवाना किया जाए वरना यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, सबको अच्छी भूख लग रही है, यहाँ हालात बिगड़ सकते हैं और अगर कभी जा सफर का पैमाना लबरेज हो गया तो इसका जिम्मेदार इंतजामिया होगा। हम लोग सब निकल पड़ेंगे फिर यहाँ से, दिल हो गए हमें यहाँ आए हुए, बच्चे अलग परेशान करके रखे, जमातुल उलमा से खाना आ रहा है वही खा के हम जिंदा है, अगर वो खाना बंद हुआ तो हम ऐसे ही मर जाएंगे, कोरोना से पहले भूख से मर जाएंगे। की कोई बात नहीं कर रहा, यहाँ तक के हमारी निगेटिव रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट आने के बाद भी कोई छोड़ने की बात नहीं कर रहा नाम से कि इनको बहुत खतरनाक बीमारी है जो मरने के करीब है, ये सब छोटी अफवाह है, इसके ऊपर कोई ध्यान ना दे और इंतजामिया जो है तो इसके ऊपर जरा भी तवज्जो नहीं दे रहे। इसलिए इंतजामिया से दरख्वास्त है कि यहाँ से जो है तो हमको जल्द से जल्द निकाला जाए और यहाँ पे जो भी माए बहने हैं तो उनको भी जल्द से घर पे पहुँचाया जाए। 4 बार हमारा टेस्ट हो चुका, खून टेस्ट करे, वो रिपोर्ट करे, कितने मरतबा हमारा क्या क्या करेंगे, कब तक हम परेशानी उठाएंगे, मेहरबानी करके हम सबको घर को पहुँचा भैया।